गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको टेरिस गार्डन का दिखाऊंगा। पेड़ पौधे कितने बड़े हुए और उनमें जो है क्या क्या चीज़ें लगी हुई है और किस चीज़ की कितनी ग्रोथ है ये मैं बताता हूं आपको। तो पहले तो शुरू लाया था ना, पहले तो ये अंगूर की बेल देखो, ये पूसा से लाया था। ये इसमें लगेंगे काले वाले अंगूर, अगले साल लगेंगे। इस साल बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल ऐसी हेल्दी है कि पूछो मत, मज़ा आ जाता है इनको देख के ही। अच्छा, ये दूसरी ये भी अंगूर की है, इसमें लगेंगे हरे वाले अंगूर, है ना। तो अगले साल तो हम अंगूर पक्का खाएंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनमें देखो फुटाव जगह जगह से, देखो कितना बढ़िया फुटाव आया हुआ है। देखो ये बेल ऊपर तक जा रही है और इस साइड में पूरा ये फैल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छी, बिल्कुल हेल्दी है अभी तक। अच्छा, ये घीये की बेल, अभी क्या हुआ बीच में आंधी तूफान आया था तो ये बेचारी ना पूरी इसकी झड़ गई थी, इसके पत्ते वत्ते, ये देखो ऊपर दिखाना। वैसे बेल तो ऊपर तक चली गई है, ये ऊपर तक गई हुई है, फूल भी इसमें आ रहे हैं अभी, घीये तो लगे नहीं है पर इसमें आएंगे दोबारा से इसमें। अच्छा, ये एक बेल ये भी अंगूर की, इसको मैंने दूसरे गमले से उखाड़ के लगाया था, तो इसकी ग्रोथ अभी धीरे धीरे हो जाएगी। ये भी हेल्दी है, ये भी चलेगी भाई। ये है पुदीना भाई, पुदीने का तो ऐसा है जैसे एक छोटा सा खेत तैयार कर दिया हो पूरा। देखो कितना बढ़िया है, रोज़ इसकी हम चटनी तो बनाते ही है, बहुत ही शानदार है। देखो हरा भरा पुदीना, और अरबी के पत्ते भी तैयार हो गए हैं। अरबी के पत्ते हमने दो तीन बार इनके जो है पकौड़े वकौड़े खा लिए, पतरोड़े जिनको बोलते हैं, हमने ये भी खा लिए। और नई चीज़ ये अमरूद, देखो भाई अमरूद, ये देखो धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया, एक दो और ये तीन, ये देखो तीन, और इसकी बैक साइड में दिखाओ बेटा, ये रहा चौथा अमरूद का, ये चार ही हैं इसमें। तो अमरूद देखो कितने बढ़िया, अमरूद का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इनको नीचे दिखाओ, ये है अजवाइन का पौधा, अजवाइन, ये देखो ये अजवाइन है, क्या प्यारी इसकी खुशबू है। इसकी चाय में डालो, इसकी पकौड़ी भी बनती है, इनकी पत्तियों को उसमें बेसन में डिप करके, बड़ा प्यारा अजवाइन, बहुत फैलती है ये, बिना जड़ के लग जाती है अजवाइन। और ये नींबू, ये देखो नींबू भी लगे हुए हैं, इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है गलगले के जितना होता गलगला होता ना, एक एक नीचे दिखाओ बेटा, ये देखो ये दो ही नींबू इसमें लगे हैं अभी। इसकी मैंने कटिंग वटिंग कर दी थी तो अगले साल इसमें और बढ़िया लगेंगे, पिछले साल इसमें बहुत लगे थे, इस बार दो ही टिके हैं। ये हो गया नींबू, और ये मनी प्लांट है, ये तो इतना फैला हुआ है, इसका तो पूरा मैंने जैसे शादी ब्याह में गेट लगाते हैं ना, तो ये पूरा ऐसा गेट लगा हुआ है, दूसरी डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल चीज़ है तो फिर प्लास्टिक व्लास्टिक की लड़ियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा ही गेट रहने दूँगा, बेटे की शादी में भी इस तरह का काम आएगा। क्यों भाई है? ये पूरा गेट है। अच्छा, और ये देखो मरुआ, इसमें मधुमक्खियाँ देखो कितनी सारी आई हुई है, कितनी अच्छी खुशबू है, बाबरी जिसको पहाड़ी भाषा में बाबरी बोलते हैं, वैसे मरुआ है ये, बड़ी प्यारी खुशबू है इसमें, इसके चटनी में डालो किसी में डालो, मतलब अच्छी चीज़ है ये, हर्बल चीज़ है ये। चल अब मैं आपको एक नई चीज़ दिखाऊंगा जो दिल्ली में तो आपको मिलेगी नहीं कहीं, ये मिलती है सिर्फ हिल स्टेशन में, हिमाचल में होती है हमारे, या फिर शायद उत्तराखंड में मिल जाएगी। इसको यहाँ क्या बोलते हैं तो पता नहीं, लेकिन हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं तरडी। ये तरडी ये एक चीज़ ऐसी होती है, ये जो है ना हिमाचल में भी एक इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे मार्च का महीना आएगा, मार्च के महीने में मतलब होली के आसपास में, होली के आसपास में इसको ज़मीन से खोदते हैं, जंगलों में से जंगल में ढूंढनी पड़ती है पहले ये बेल, फिर इसके नीचे जो है वो इसकी रूट्स होती है, जड़ें, वो जड़ें जो होती है उनकी सब्ज़ी बनती है, बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है इनकी, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है, जो यहाँ तो दिल्ली या मतलब मैदानी इलाकों में तो मिलेगी नहीं। तो गांव से लाए थे इसको हम, सब्जी के रूप में लाए थे, तो मैंने इसकी एक जड़ यहाँ दबा दी, एक जगह मैं एक दूसरी जगह भी दबा रखी है, लेकिन ये कि ये दबाई और इसकी देखो ये बेल निकल गई है, लेकिन इस ये अभी दो साल में तैयार हो गई है, ये हर साल इसको नहीं खोदते, इसको मैंने लगा दिया, ये जड़ इसकी बिल्कुल निकल चुकी है,
और ये बेल इसकी देखो बाहर निकल रही है बेल ये, और नीचे दिखाओ इसमें ये देखो ये थी जो इसकी जड़ जो है, जो मैंने रूट से इसकी दबाई थी ना तरड़ी की, ये थी। अब ये बेल धीरे धीरे निकलेगी, ये फैलती जाएगी, फिर ये जब बेल सूख जाएगी नीचे इसकी जो जड़ें हैं ना वो फैलती रहेगी और उसकी सब्जी बनती है बड़ी ज़बरदस्त, जिसको बोलते हैं तरड़ी। तो ये तरड़ी है, लेकिन इसको अभी कम से कम इस मार्च में तो ये तैयार होगी नहीं, ये होगी अगले मार्च में। फिर ये जो मटका है ना, ये मटका मैंने तोड़ के लगाया ये, तो इस ये जो मटका है ये पूरा इसके अंदर जो है उन जड़ों से भर जाएगा, और उनको निकालो धो के, और बड़ी अच्छी सब्जी बनती है इनकी। और फिर से दोबारा इसमें एक जड़ फिर रहने दो, तो वो फिर अगले साल फिर निकल आएगी। अब इसका अगले साल पता लगेगा, लेकिन ये नई चीज़ जो है मैंने एक वो करी है, ट्राई करी है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं इसमें, है ना। ये और ये तुलसी कितनी बढ़िया है, देखो बिल्कुल हरी भरी, और जगह भी लगी हुई है, कई जगह तुलसी मैंने अच्छी होती है, ये इनकी एक वाइब भी अच्छी आती है। तो कैसा लगा आपको मेरा गार्डन ये बताना, लाइक शेयर कर देना प्लीज़ इसको। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको नई चीज़ों का दिखाया था। धन्यवाद।